लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरे तेज गिरी दोस्तों आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों बेसिकली आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क की बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे मेल कर रहे थे और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था दोस्तों, तो आप बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कीजिए टाइम एंड वर्क के बारे में दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क दोस्तों। प्रयास करेंगे अगर एक पार्ट में कम्प्लीट हो जाए तो आज कम्प्लीट कर देंगे, अगर नहीं हो पाता है तो दूसरा पार्ट लाएंगे दोस्तों। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया लास्ट 3 to 4 years दोस्तों, पिछले 3-4 साल का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों जो इस पीडीएफ में हमने लिया वो न्यू पैटर्न क्वेश्चन लिया दोस्तों। तो टोटल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसमें 32 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 32 क्वेश्चन में से आपका जो 22 क्वेश्चन हमने लिया है वो दोस्तों कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं दोस्तों वो लेटेस्ट न्यू पैटर्न क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो बात करेंगे हम लोग टोटल 32 क्वेश्चन की, अगर एक पीडीएफ में कंप्लीट हो जाता है तो ये कंप्लीट कर लेंगे, या नहीं तो दोस्तों इसको दो पार्ट में ले जाएंगे। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठे तो एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है इस चैप्टर से दोस्तों, बहुत आसानी से आधे मिनट में हो जाता है। पीओ एग्जामिनेशन में अगर बैठे तो 30-40 सेकंड में इसका क्वेश्चन बन जाता है, और अगर आप मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो भी दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल आते हैं। और बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि इससे डीआई भी पूछ देता है, मेंस से रिलेटेड मेंस एग्जामिनेशन में दोस्तों कभी कभी इसे डीआई भी पूछ सकता है, तो वो भी आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप डीआई भी अच्छे से कर पाइएगा दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं उसके बाद, अगर आप क्लर्क के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, कोई सा भी क्लर्क में बैठते हैं तो क्लर्क वाला सिंपल बहुत आता है, 10-20 सेकंड का क्वेश्चन आता है दोस्तों जो आप देखिएगा और सीधा टिक कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ओरली भी बना सकते हैं, तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सुनहरे तरीके से इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, 36 पर्सन आर एंगेज ऑन ए पीस ऑफ वर्क, उसके बाद क्या कर रहे, द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 40 डेज। अब दोस्तों देखिए ना, 40 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे दो चीज होती है, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे ना आज की क्लास के बाद, आप क्लास के बाद आप घर गए और घर जाके आपने डिसाइड किया कि भाई आज तो एकदम रील लगा देनी है, पढ़ के एकदम रील लगा देनी है पढ़ पढ़ के, तो आपने डिसाइड किया 12 घंटा पढ़ेंगे। कितना देर पढ़ेंगे दोस्तों? 12 आवर आपको स्टडी करनी है। आपने ये डिसाइड किया कि आपको आज पूरा 12 घंटा पढ़ना है, मतलब मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 6 AM से लेके 6 PM, ये आपका 12 आवर्स का टाइम हो गया। पीएम है दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है और मोदी जी नहीं है, और 6 PM से लेकर 6 AM ये आपका 12 घंटे का टाइम हो गया। तो आपने दो स्लॉट में टाइम को डिवाइड कर दिया, डे एंड नाइट में, तो डे में 12 घंटा हो गया, नाइट में 12 घंटा हो गया, टोटल 24 घंटे में आपने डिसाइड किया कि आपको 12 घंटा पढ़ना है दोस्तों। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर फर्स्ट वाले स्लॉट में आप मान लीजिए 4 घंटा पढ़े, फर्स्ट वाले स्लॉट में कितना देर पढ़े आप, 4 घंटा, तो सेकेंड वाले स्लॉट में कितना पढ़िएगा, 8 घंटा पढ़िएगा, तब जाके 12 घंटा कंप्लीट होगा दोस्तों, क्लियर है? लेकिन जो हमारी एनालिसिस होगी, जो हमारी बात होगी वो क्या होगी, ये 8 घंटा हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे दोस्तों कि फर्स्ट में जैसा आप पढ़े हैं तो सेकंड में भी आप 4 ही घंटा पढ़ेंगे। मतलब दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है एक्चुअल वर्क, एक क्या होता है एक्चुअल वर्क जो काम हुआ है, और एक आपकी थिंकिंग होती है जो आपने सोचा कि ये करना है। तो दोस्तों देखिए, एक्चुअल वर्क और थिंकिंग बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। आप सोचिएगा 12 घंटा पढ़ना है तो 12 घंटा पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हम काम करेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम काम करेंगे किस पे, एक्चुअल वर्क पे, जो चीज घटना घटी है उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है? हम लोग जो थिंकिंग है उसके आधार पर नहीं करेंगे। तो इतनी हमारी थिंकिंग थी दोस्तों कि 36% को 40 दिन लगाएंगे तो काम हो जाएगा, जरूरी नहीं कि थिंकिंग हमारी पूरी हो, तो ये थिंकिंग के बेसिस पे कोई काम नहीं होगा दोस्तों, क्लियर है? ये इतनी सी बात आप लोग समझ गए, ये वाले थिंकिंग के बेसिस पे हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। और इस टाइप के पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे M1D1H1 का, M1D1H1 बाई W1E1, इधर P1 लगा दीजिए, इज इक्वल टू E2M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू P2, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये वाला आता है कैसे दोस्तों, ये एक रेशियो है,
तो ई एम डी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू आर पी, तो ये एक तरह का रेशियो है दोस्तों। और रेशियो कैसे होता है यहाँ पे, ये चीज हम लोग को पहले समझनी पड़ेगी। तो जैसे इफिशियंसी, ई फॉर इफिशियंसी, अगर किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो डब्ल्यू फॉर क्या वर्क, तो काम ज्यादा करेगा, इफिशियंसी ज्यादा है तो काम ज्यादा करेगा। पी फॉर प्राइस, मनी, जो भी उसको वेजेज मिलता है जो भी, तो इफिशियंसी ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। एम फॉर मेन, नंबर ऑफ मेन, अगर ज्यादा वर्क करेंगे तो काम ज्यादा होगा, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। डी फॉर डे, ज्यादा दिनों तक काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। एच फॉर आवर होता है दोस्तों, ज्यादा घंटे तक काम करेंगे, कोई 10 घंटा काम कर रहा है, कोई 12 घंटा काम कर रहा है, तो ज्यादा घंटे तक काम करेंगे तो काम ज्यादा होगा, पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो यही वाला रेशियो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ये जो रेशियो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच मसाले नहीं, एमडीएच कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। चलिए तो एमडीएच कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग यहां पे देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, After 32 days, 3/4 of the work was completed. अब देखिए दो चीज हुआ है, ये आपकी थिंकिंग थी, थिंकिंग थिंकिंग क्या थी दोस्तों, आपको 36% को 40 दिन काम करना था, ये आपकी थिंकिंग थी। लेकिन एक्चुअल जो हुआ है दोस्तों, एक्चुअल क्या हुआ है, एक्चुअल हुआ है 32 दिनों तक 36% काम किए, 32 दिनों तक 36% काम किए, तो काम कितना हुआ, 3/4 ही काम हुआ, ये एक्चुअल हुआ। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो किसके बेसिस पे, एक्चुअल के बेसिस पे, थिंकिंग के बेसिस पे नहीं दोस्तों, एक्चुअल जो वर्क हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, जो भी काम हमारा हुआ है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, एक्चुअल जो हमारा वर्क है उसके बेसिस पे काम हम लोग करते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल क्या कह रहा है, 36% 32 डेज में 3/4 काम किए, कितना काम किया, 3/4 काम। अब करें, how many more person are required to complete the work on time? अब कितने person चाहिए? तो हमको, हमने बोल दिया X person चाहिए, तो time पे complete हो, तो दोस्तों 40 दिन काम करना था, 32 दिन काम हो गया, तो remaining days कितना बचा? तो remaining days आप लोग बोलिएगा, remaining days बराबर 8 days। कैसे 8 days बचा दोस्तों? क्योंकि 40 दिन काम करना था, 32 दिन काम हो गया, तो 8 ही दिन बचा, तो X person जो है वो 8 दिन तक काम करेंगे, और remaining work कितना हो जाएगा दोस्तों? तो रिमेनिंग वर्क जो होगा, 3/4 काम हो गया, तो 1/4 काम बचा, 1 - 3/4, तो कितना हो गया दोस्तों, 1/4, तो 1/4 काम बचा, तो यहां पे लिख दिया हमने कितना, 1/4। अब इसी को तो काटना है दोस्तों, बहुत सुनहरे अंदाज से हम लोग इसको काट देंगे, ये पहले 4, तो 4 कैंसिल आउट हो गया आपका, क्लियर, 8 से कट गया, ये कितने बार में, 4 बार में, 3 से कटा, 12 + 36, तो 12 * 48 हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 48, तो 48% हो गया, 48% को आपको रिक्वायरमेंट है, 48% की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो 48 आंसर नहीं होगा दोस्तों, आपके पास पहले से 36 थे, 36 पहले से थे, 48% चाहिए, 36 पहले से थे, मतलब एक्स्ट्रा जो लाइएगा, एक्स्ट्रा पर्सन कितना लाइएगा, 12 ही तो लेकर आइएगा ना दोस्तों, 48 वर्कर की जरूरत है आपको काम कंप्लीट करने के लिए, 36 वर्कर पहले से है आपके पास, तो आप पूरा का पूरा 48 थोड़ी लेकर आइएगा, 36 तो है पहले से, कमी कितने की हो गई, 12 की, यही 12 वर्कर आप लेके आएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने समझाने में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुनहरे अंदाज से आपको समझा दिया दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। कंप्यूटर जी देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बनेगा दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कंप्यूटर जी आपका। क्या बोला, 12 मैन कैन फिनिश ए प्रोजेक्ट इन 12 डेज, 12 आदमी किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं 12 मैन 12 डेज में, ठीक। उसके बाद क्या बोला, 18 वुमेन 16 डेज में, तो इज इक्वल टू वही काम है जो 18 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 16 डेज में, इज इक्वल टू वही काम है जो 24 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, ये वही काम है जो 24 चिल्ड्रन 18 दिन में। तो यहां से हम लोग ना रेशियो निकाल लेते हैं मैन वुमेन और चिल्ड्रन का, हम लोग क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें काटना होगा, तो देखिए कटेगा कैसे, तो 12 पूरा काट देते हैं दोस्तों, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 12 में 6 कितना होता है, 4 * 3 होता है, 12 में 4 * 3 या 6 * 2 होता है, तो 12 का पूरा कट गया, और ये 12 से कट गया कितने बार में दोस्तों, तो 12 से कट गया 2 बार में, क्लियर है। अब 12 में 4 * 3 कटेगा, तो 4 से कटेंगे 4 और 3 से कटेंगे तो इसको 6 हो जाएगा, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी फिर से ये 12 कट जाएगा क्या, तो 12 तो नहीं कट पाएगा क्योंकि 18 * 36 है, 12 कट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 12 मेन या लिख दीजिए 12 मेन इज इक्वल टू 6 * 24 वुमेन इज इक्वल टू 18 * 36 चिल्ड्रेन, तो 12 कट जाएगा, तो मेन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 12 * 36 3 चिल्ड्रेन, तो मेन के बराबर 2 वुमेन हो गया, बराबर 3 चिल्ड्रेन हो गया,
ये दो तरीके से करेंगे, एक आपका होता है इफिशियंसी तरीका, एक सब्स्टिट्यूशन तरीका। तो पहले वाला दोस्तों हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का तरीका, उसके बाद हम लोग इफिशियंसी का भी तरीका लगाएंगे इसमें, क्लियर है। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या बोला, 8 women and 16 children, यहां पे आ जाइए दोस्तों, 8 women प्लस का 16 children वर्क फॉर 9 days, कितने दिन तक काम किए, 9 days एंड लेफ्ट, हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 30 children, तो कितने डेज में रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट होगा वो कितने चिल्ड्रेन के द्वारा दोस्तों, 30 children के द्वारा, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 30 children, क्लियर है। तो रिमेनिंग वर्क 30 children के द्वारा, तो 30 children के द्वारा कितने दिन तक काम होगा, तो हमको नहीं पता, तो हम लोग मान लिया एक्स डेज तक काम होगा, जो 30 children काम करेंगे वो कितने दिन तक काम करेंगे दोस्तों, एक्स डेज तक काम करेंगे, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक। ये कौन सा वर्क होगा दोस्तों, तो किसी एक से भी इक्वेट कर देते हैं, ये वाला जो वर्क है हम किसी एक से इक्वेट कर दे, मान लीजिए चिल्ड्रेन से इक्वेट कर देते, तो यही वही वर्क है जो 24 children 18 दिन में किए हैं, ये वही काम है जो 24 children कितने दिन में किए हैं, 18 दिन में किए हैं, क्लियर है। अब बोला ना यहाँ पे 8 women दोस्तों, तो 1 woman बराबर 2 women बराबर कितना है, 3 children, तो 4 2 8 तो 4 3 12 children, तो यहां पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो 12 children लिख सकते हैं, 8 women के बदले कितनी, 12 children, अब प्लस 16 children कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 9 दिन में, अब प्लस का 30 children कितने में, x में, और ये वही वाला काम है जो 24 children कितने में कर रहे हैं, 18 में, तो यहां से 28 children हो जाएगा क्या, ठीक है, 28 children 9 दिन प्लस का 30 children एक्स डेज इज इक्वल टू 24 children 18 दिन। अब देखिए दोस्तों इसमें से काटेंगे हम लोग, जो जो कट जाएगा उसको हम लोग काट देंगे, बहुत आसानी से काटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखना 6 कट सकता है या 3 भी काट सकते हैं, जो भी कट जाए, 6 काटेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 6 काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 6 काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, चिल्ड्रन भी कट जाएगा, और 6 में 3 और 2 काटना है, तो 3 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे तो ये 14, तो 14 3 42, तो यहाँ पे 42 प्लस का 5x इज इक्वल टू 18 4 72 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 72 - 42 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया, एक्स का कितना आ गया वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत बेसिक तरीके से मैंने सब्स्टिट्यूशन तरीके से इस क्वेश्चन को करा रखा है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा दोस्तों, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, एक बार वीडियो को लाइक करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट तरीके से देखेंगे दोस्तों। ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का तरीका हो गया, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे दोस्तों, कंप्यूटर जी माउस किधर चला गया, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इफिशियंसी वाले तरीके से दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग जो पैटर्न तरीका लगाएंगे वो इफिशियंसी का लगाएंगे, किसका लगाएंगे दोस्तों, इफिशियंसी का लगाएंगे। चलिए आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए इफिशियंसी लगाने के लिए यहां पे दोस्तों इफिशियंसी कैसे लगाएंगे, इफिशियंसी यहां पे वुमेन है दोस्तों, यहां से वुमेन नहीं हटाइए, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं ना जो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ नीचे और नीचे ही बचेगा, तो हमने डिसाइड किया कि 6, ऐसा नंबर क्या हो सकता है 6, यहां भी 6 कर देते हैं, यहां भी 6, तो 3 से कट गया 2, 3 से कट गया 2 और 2 से कट गया 3, मतलब क्या गया, मैन बाय 6 इज इक्वल टू वुमेन बाय 3 इज इक्वल टू चिल्ड्रेन बाय 2, और सबके आगे कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 ही ले लेते हैं हम लोग, तो मैन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन कितना गया दोस्तों, तो 6:3:2 बराबर 1 ले लीजिएगा, तो 6:3:2 ये आपका क्या गया, इफिशियंसी रेशियो आ गया दोस्तों, ये आपका क्या गया, इफिशियंसी रेशियो आ गया, क्लियर है। ये जो चीज आया इसको हम लोग बोलेंगे इफिशियंसी रेशियो, क्या आ गया दोस्तों, इफिशियंसी रेशियो, ठीक है। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि 8 women प्लस का 16 children काम किए कितने दिन तक, 9 दिन तक, और उसके बाद रिमेनिंग वर्क 30 children कितने दिन तक काम करेंगे, एक्स डेज तक, ये वही काम होगा जो 24 children किसी से कर दीजिए, इस बार चिल्ड्रेन पिछले बार हमने किया था, इस बार हम लोग मेन से कर देते हैं, क्या किससे कर देते हैं दोस्तों, मेन से, ये वही काम होगा जो 12 men कितने दिन में करेंगे, 12 days में करेंगे दोस्तों। अब देखिए ना यहां बहुत सुनहरे तरीके से मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, वुमेन की एफिशिएंसी 3 तो 8 women की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 24 प्लस चिल्ड्रेन की एफिशिएंसी 2 है तो 16 की कितनी हो जाएगी 32, ये हो गया इनटू का 9 प्लस चिल्ड्रेन का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, चिल्ड्रेन का 2 है तो 30 × 2 = 60 हो जाएगा, 60x इज इक्वल टू मैन का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, तो 6 तो 12 6 72 हो जाएगा,
12 महीने है ना, तो एक महीने का 6 है, तो 12 महीने का 72 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 × 2 = 6 और 3 × 2 = 56 हो गया, 4 × 2 = 3 × 2 = 56 × 9 प्लस का 60x = 72 × 12 ये हो गया दोस्तों। अब इसी को तो काटना है, देखिए बहुत प्यारे तरीके से हम लोग काट सकते हैं इसको, पिन चेंज कर दीजिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा, इसको ले लीजिए। चलिए तो 6 से कटेंगे, क्लियर है। तो 6 से पहले इसको काट दीजिए कितने बार में, 10 बार में, और 6 से इसको काट दीजिए 12 बार में, ठीक है। और उसके बाद 6 से काटना है, तो 6 में 3 और 2 है, तो 2 से करेंगे 28 और 3 से करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से करेंगे तो 3, ठीक है। अब 2 से फिर से कट जाएगा, या नहीं भी काटिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चलेगा। अगर यहां से 2 भी काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं भी काटना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 × 84 आप प्लस का 10x = 12 × 144, तो यहां से 144 माइनस कर देंगे दोस्तों, किसने में, 84 में, तो ये 60 हो जाएगा। तो 10x का वैल्यू कितना हो गया 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत सुनहरे तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया दोस्तों, कैलकुलेटिव नहीं था, बस एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तो 1 मिनट नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, 1 मिनट से कम में ही बन जाएगा, बस आपको आइडिया और अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे अप्रोच लेना है इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उम्मीद करते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं दोस्तों, 3 men, 4 women and 6 children कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days, 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए मैन, ए वुमेन डज डबल द वर्क देन ए मैन डज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहां पे जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, ए वुमेन डज डबल द वर्क देन ए मैन डज, एक वुमेन जो है मैन से दुगुना काम करती है, वुमेन जो है मैन से दुगुना काम करती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वुमेन, कंप्यूटर जी इसको यहां लिखे, इसका मतलब क्या है, वुमेन मैन से दुगुना काम करती है, मतलब वुमेन अगर 2 काम करती है तो मैन 1 काम करता है, दुगुना काम करता है, मतलब मैन 1 काम करता है तो वुमेन 2 काम करती है, ठीक। एंड चाइल्ड डज हाफ ऑफ द वर्क देन ए मैन डज, और चाइल्ड जो है वो मैन से आधा काम करता है, मतलब चाइल्ड 1 काम करता है तो मैन 2 काम करता है, मैन दुगुना काम करेगा, चाइल्ड 1 काम करता है तो मैन 2 काम करेगा, यही तो बोला है दोस्तों। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैन यहां 1 है, यहां मैन 2 है, तो इसको 2 से 2 गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 4/2। अब देखिए मैन भी 2 हो गया, यहां भी मैन 2 हो गया, अब ये बैलेंस हो गया, मतलब वुमेन की एफिशिएंसी 4 हो गई, मैन की 2 हो गई और चिल्ड्रन का 1 हो गया, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पे आइए, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, तो 3 men + 4 women + 6 children कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 7 दिन में काम कर रहे हैं। और हाउ मेनी वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज, तो एक्स वुमेन काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 7 डेज में, एक्स वुमेन वर्क करेंगी तो काम आपका 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले एफिशिएंसी से ही बता देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगा देंगे दोस्तों। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया 2, तो 3 मैन का कितना हो जाएगा आपका 6, वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, और 4 का कितना हो जाएगा 16, चिल्ड्रन का कितना है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, इनटू का 7 = वुमेन, ये सॉरी वुमेन का एफिशिएंसी कितना है 4, तो एक्स इंटू 4 × 7, ये कितना हो गया 6 × 12 = 28, 28 × 7 = x × 28, 7 × 28 = 28, 28 कैंसिल आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, 7 वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी जो वर्क हो वो टाइम पे कंप्लीट होने के लिए, काम को टाइम पे कंप्लीट होने के लिए कितने वुमेन की रिक्वायरमेंट होगी 7 वुमेन की। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब मेथड नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों, मेथड नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए यहां से हम लोग चलेंगे मेथड नंबर 2, कंप्यूटर जी यहां पे लिख दीजिए M2, ठीक है। अब देखिए यहां पे ना सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं दोस्तों, हम लोग क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, मिटा दीजिए इसको, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंप्यूटर जी। अब देखिए यहां पे ना हम लोग मेथड 2 लगाएंगे दोस्तों, देखिए तो यही फॉर्मेट बनेगा, 3 women, 4 women, 6 children। अब देखिए इसमें यहां पे ना चेंज कर देते हैं हम लोग, कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो यहां पे देखिए ना सबको बदल देते हैं, किसमें, वुमेन में, सबको बदल देते हैं वुमेन में, तो यहां से लिख सकते हैं मैन इज इक्वल टू वुमेन बाय 2, या ये लिख सकते हैं हम लोग मैन इज इक्वल टू वुमेन बाय 2, तो यहां से 3 men = कितना लिख सकते हैं, तो 3 women by 2, 3 women by 2, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कितना 3 women by 2, अप्लस का 4 women, अप्लस का, ठीक,
चिल्ड्रेन, और इसको भी बदलना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैन बराबर कितना हो जाएगा, टू चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन इज इक्वल टू मैन बाय टू लिख सकते हैं, चिल्ड्रेन इज इक्वल टू मैन बाय टू, और मैन इज इक्वल टू वुमेन बाय टू, तो चिल्ड्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वुमेन बाय फोर, चिल्ड्रेन इज इक्वल टू वुमेन बाय फोर, तो सिक्स चिल्ड्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिक्स वुमेन बाय फोर हो जाएगा, सिक्स चिल्ड्रेन इज इक्वल टू सिक्स वुमेन बाय फोर, तो ये टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा, क्लियर है। इंटू सेवन इज इक्वल टू एक्स ओमेन इंटू का सेवन, अब यहां पे हम लोग ले लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां पे टू इंटू टू कर देते हैं, यहां भी हम लोग टू इंटू टू कर देते हैं, कंप्यूटर जी थोड़ा सा इधर दिखाइए, टू बाई टू, तो नीचे का टू सेम हो गया, तो चार दूनी आठ है, तीन ग्यारह, ग्यारह और तीन चौदह, तो फोर्टीन ओमेन बाई टू इंटू का सेवन इज इक्वल टू एक्स ओमेन इंटू का सेवन, तो सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, दो से कटा सात है, एक्स की वैल्यू कितनी है, दो से चौदह कटा सात, बढ़ में एक्स बराबर सेवन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12, क्या कह रहा है, 12 men takes 36 days to do a work. 12 आदमी को 36 दिन लगा, एंड 12 women complete 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 36 डेज। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताता हूं, फिर डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा दोस्तों कि डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए 12 men 36 दिन लिए पूरा एक काम करने के लिए, और यहां पे क्या बोला है, 12 women ने 36 दिन लिया कितना काम करने के लिए, 3/4 वर्क करने के लिए, तो यहां से मेन बाई वोमेन 12/36 कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा, यहां से मेन बाई वोमेन कितना आ जाएगा, 4/3। अब करें इन हाउ मेनी डेज, 10 मेन प्लस 8 ओमेन, तो 10 मेन प्लस का 8 ओमेन एक्स डेज में काम करेंगे, ये वही काम है जो 12 मेन कितने दिन में किए, 36 दिन में किए हैं, तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं। तो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं दोस्तों, क्या लगाते हैं, फर्स्ट हम लोग कंप्यूटर जी यहां पे आइए, तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, 3 मेन इज इक्वल टू 4 ओमेन, 3 मेन इज इक्वल टू 4 ओमेन। अब यहां पे देखिए 3 मेन का वैल्यू कितना है, 4 ओमेन है, 3 मेन का वैल्यू कितना है, 4 ओमेन है, तो एक मैन का कितना हो जाएगा, एक मैन का वैल्यू हो जाएगा 4/3 ओमेन, एक मैन का वैल्यू हम दोनों तरीके से करेंगे दोस्तों, दोनों जो आसान होगा वैसे करेंगे, एक मैन का वैल्यू 4/3 ओमेन, तो 10 मैन का वैल्यू 10 × 4/3 ओमेन, सॉरी मेन से बदल देते हैं दोस्तों, हम लोग यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि हमने मेन लिया है ना, तो हम लोग ओमेन को मेन में बदल देते हैं, ओमेन को मेन में बदल देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों, ओमेन को मेन में बदलना ज्यादा आसान है। देखिए ना, एक्स ओमेन है, यहां पे 4 ओमेन है, तो ये यहां पे 6 मेन बराबर 8 ओमेन हो जाएगा क्या, 2 से गुना कर दिया, तो 8 ओमेन के बराबर कितना, 6 मेन, और ये वाला तो आपका 10 मेन ही रहा, ठीक है, तो इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 मेन इंटू का 36, तो 10 और 6 16 मेन इंटू का एक्स इज इक्वल टू 12 मेन इंटू का 36, तो 4 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा 3 और 4 से कट जाएगा ये 9, मेन से मेन कैंसिल, तो 9 × 3 = 27, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 27 डेज। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन से, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें ये लगाते हैं इफिशियंसी वाला तरीका लगाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर जी थोड़ा सा मार्कर से इसको मिटा दीजिए जल्दी से, चलिए माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, मैंने माउस का कवर चेंज कर दिया, ठीक है अब सही चलने लगा, चलिए इसको यहां से मिटा देते हैं दोस्तों, अब देखिए यहां पे यही वाला फॉर्मेट बनेगा, इफिशियंसी लगा रहे हैं हम लोग, तो मैन की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 10 मैन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 40, और ओमेन की एफिशिएंसी 3, तो 8 का कितना हो जाएगा 24, तो यहां पे 24 + 40 कितना हो जाएगा 64x, तो सीधे लिख देते हैं 64 × x इज इक्वल टू 12, मेन का एफिशिएंसी कितना है 4 इंटू इसका कितना है 36, ये तो है, तो 4 से कर देंगे दोस्तों 16, और फिर 4 से कर देंगे 3, और फिर 4, और फिर 4 से कर देंगे 9, तो x की वैल्यू 9 × 3 = 27 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 27, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दोस्तों आपको स्मार्टली वर्क करना था और यहां पे टाइम को आपको सेव करना था, थोड़ा सा आप स्मार्टली वर्क करते हो और टाइम को
सेव करते। कैसे टाइम को सेव करते दोस्तों, तो ये जो इफिशियंसी निकाले हैं, यहां आपको टाइम सेव करना था, यहां आपको सीधा देखना था और ये इतना सारा कुछ नहीं करना था। आपने क्या देखा यहां पर, यहां देखा 12 मेन को 36 दिन लगा, 12 वुमेन को भी 36 दिन लगा, लेकिन 12 वुमेन ने कितना काम किया, 3/4 काम किया। इसका मतलब कितना है, मैन जो है वो 3/4 नहीं 4/3 हो जाएगा ऑफ वुमेन के। क्लियर है, वुमेन ने 3/4 काम किया, वुमेन ने 3/4 वर्क किया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। यहां से वुमेन ने कितना काम किया, तो वुमेन ने 3/4 काम किया मैन के, तो यहां से वुमेन बाई मैन कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब मैन की एफिशिएंसी 4 हो गई, वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो गई। यहां से डायरेक्टली आप लोग देख के समझ सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है दोस्तों। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन देख के आप लोग भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या करें, बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत कैलकुलेटिव पेपर आ गया, ए लाया था, बी लाया था, फिर सी भी लाया, फ्रैक्शनल वैल्यूज दे रहा है, इफिशियंसी परसेंटेज में दे रहा है, सब कुछ लगा दिया इसमें। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 45 सेकंड, इससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए दोस्तों, अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए। क्या बोला, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 2/7 डेज में। तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी जो कर रहा है, तो 10 7 70 2 72/7 डेज में, कितने में, 72/7 डेज में। अब बी या प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 13 1/3, 13 1/3 का मतलब कितना, 40/3 डेज। ठीक, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन सी, बी जो है वो 25% ज्यादा इफिशियंट है सी से, बी जो है 25% ज्यादा इफिशियंट है सी से। इसका मतलब क्या दोस्तों, बी और सी 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब सी की इफिशियंसी अगर 4 है तो बी का एक इफिशियंसी ज्यादा है कितना होगा, 5, सी का इफिशियंसी 4 है तो बी का एक ज्यादा होगा कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, यहां तक समझ आ गए। अब यहां पर ना टोटल वर्क ले लेते हैं, यह आपका टाइम हो गया, यहां पे एक टोटल वर्क ले लेते हैं और ये आ जाएगा इफिशियंसी। तो 72 और 40, तो 72 और 40 हमको समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 72 में 4 आ जाएगा, तो सिर्फ 72 लिख दीजिए और एक 0 है तो 0 लगा दीजिए। ज्यादा ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेते हैं एलसीएम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम लीजिए ज्यादा लीजिए कोई फर्क नहीं, कम भी लेते हैं तो भी चलेगा, ज्यादा भी लीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां जो इफिशियंसी हो जाएगी इसकी होनी चाहिए 10, लेकिन ये 60 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70। अब यहां पे होना चाहिए था 0 18 18 54 होना चाहिए था 18, लेकिन ये 3 इधर क्या है दोस्तों, डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इधर इसको इफ ये लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, जैसे 1/2 है दोस्तों, तो ये 2 को हम लोग साइलेंट कर लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे और उधर 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, बस यही हम लोग को करना होता है काम। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को जरूरी नहीं कि एलसीएम आप लोग निकालने लगते, आप लोग क्या गलती करते हैं कि 72 और 40 का एलसीएम निकालने लगते हो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, जितना है उतना ही रहने दीजिए दोस्तों। तो बी और सी देखिए ना यहाँ पर, तो बी और सी का मिला के एफिशिएंसी कितना है, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 9 के जगह बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 54, तो 9 6 54, तो 6 5 30, तो बी का एफिशिएंसी पता चल गया 30, तो बी का एफिशिएंसी 30, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 40, तभी तो 70 हो जाएगा। अब ए और सी कितने में करेगा, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 28, तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 40 और 28 68, ए प्लस सी एफिशिएंसी कितना हो गया, ए प्लस सी का एफिशिएंसी जो हो गया आपका कितना हो गया दोस्तों, तो यहां पे 40 प्लस 28 68 हो गया, 24 होगा ना दोस्तों, ये 6 4 24, 4 की कितनी हो जाएगी, 24, 40 प्लस 24 कितना हो गया, 64। तो ए प्लस सी कितने में करेगा, यही तो बोला है, तो 720 काम 64 इफिशियंसी से, तो पहले इसको काटते हैं हम लोग, किससे कटेगा दोस्तों, 4 से कट जाएगा, या 8 से काटिए ना, 8 से काटिएगा तो कितना, 8, और 8 से काटिएगा तो 90, तो 90 का कितना आधा, 45 बटा 4 हो जाएगा, 45/4 का मतलब कितना, 11 6 44, 11 1/4। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब आप लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में इसका क्या लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो आप लोग देखिए 720 लिखना था, ज्यादा आसान था, ज्यादा आसानी से हो गया, हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है मिटा दे इसको। लेकिन हम लोग एलसीएम, अगर आप एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था दोस्तों, तो वो भी मैं बताता हूं कैसे लेंगे, बहुत आसान तरीके से। जब भी जीरो आता हो दोस्तों, जीरो आता हो, यहां पे क्या आता हो,
एक टर्म में जीरो आता है, जैसे 72 और 40 में एक टर्म में क्या रहा है, जीरो आ रहा है हम लोग को। लेकिन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वर्क में, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। तो जीरो आएगा तो उसका पांचवा मल्टीपल ले लेंगे, तो 72 का पांचवा मल्टीपल कितना हो जाएगा 360, 360 से देख लेंगे जाएगा कि नहीं, तो चला जाएगा। तो जीरो जीरो और ये कितना, 9 9 3 27 हो गया, अब 72 से करेंगे 5 तो 7 5 35, बात वही, वो आधा आधा कम हो गया, वर्क आधा कम हो गया तो एफिशिएंसी भी आधा कम हो गया, बात वही आपका दोस्तों। तो 5 और 4 9 9 में कितना हो गया 27, तो 5 में 5 3 15 और 4 3 12, ठीक। तो सी का 12 हो गया और बी का कितना हो गया 15, बी का 15 हो गया तो ए का कितना हो जाएगा 20, तो ए प्लस सी का कितना हो गया 32, तो ए प्लस सी कितने में करेंगे 360 कम 32 एफिशिएंसी से करेंगे। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, सीधा मैं लिख देता हूं 11 1/4 days, आप लोग कैलकुलेशन इसके आगे खुद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत कम नहीं था, पर 720 हमने आसानी से लिख दिया, हम लोग को ज्यादा दिमाग पे लोड लेना नहीं पड़ा दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने देखिए यहां पे आप लोगों को बताया है, कंप्यूटर जी देखिए ऊपर चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो दोस्तों आईबीपीएस पीओ में आया है, यही सेम क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था यही सेम है, आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं चेक करूंगा, ये आपका होमवर्क है। अगर आप किसी से नहीं बना तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा, या नेक्स्ट में मैं सॉल्यूशन करा ही दूंगा, पर आंसर कमेंट करके सब लोग बताइएगा दोस्तों। चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर 16 मैन, इसने कितने मैन को हायर किया 16 मैन टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 38 डेज। अब देखिए इसकी थिंकिंग है, मैनेजर की थिंकिंग है, जरूर नहीं एक्चुअल होगा, हाउएवर आफ्टर 30 डेज ही रियलाइज ओनली 5/9 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। तो जो काम करेंगे वो किस बेसिस पे, इस बेसिस पे, तो 16 आदमी 30 दिन तक काम किए तो 9 में से 5 काम कर लिए, तो 5 काम कर लिए, 16 आदमी 30 दिन तक काम किए तो 5 काम कंप्लीट कर लिए, वर्क नीचे आता है। हाउ मेनी मोर मैन, तो एक्स मैन काम करेंगे तो प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो देखिए ना दोस्तों 30 दिन काम हो गया है और 30 दिन काम करना था तो रिमेनिंग डेज कितना बचा 8 दिन, और 9 में से 5 काम हो चुका है, तो काम रिमेनिंग कितना बचा है 4 ही काम रिमेनिंग बचा है बस। कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा दोस्तों इसको सॉल्व करने में, 5 से कट गया कितने बार में, 5 से कट गया ये आपका 6 बार में, और 4 से कट गया 2 और 2 से कट गया ये 3, तो 16 3 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 48 मेन की आपको रिक्वायरमेंट है, लेकिन 16 मेन ऑलरेडी हैं आपके पास, 16 मेन ऑलरेडी हैं, तो रिमेनिंग आपको कितने मेन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो 32 मेन की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि 48 की जरूरत है, 16 आपके पास और हैं, तो कितना और हायर कीजिएगा, कितना और बुला के लाइएगा, तो 32 और आप बुला के लाइएगा, 32 और आप बुला के लाइएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 6 मेन जो है वो पीस ऑफ वर्क को कितने में कर रहे हैं 12 डेज में, तो 6 मेन इनटू 12 अब प्लस का इज इक्वल टू 8 ओमेन, 8 ओमेन कितने में कर रहे हैं दोस्तों 8 ओमेन कैन कंप्लीट इन 18 डेज, इज इक्वल टू 18 चिल्ड्रन जो है वो कितने में कर रहे हैं 10 डेज में कर रहे हैं, 18 चिल्ड्रन कितने में कर रहे हैं 10 डेज में, और फिर वही से सब्स्टिट्यूशन या वो लगा देंगे जो आपकी मन हो, जैसे आपका मन हो। तो काटना शुरू करते हैं दोस्तों, काट तो सकते हैं आज, तो 12 पूरा काट ले क्या, कोई दिक्कत नहीं हो तो 12 पूरा काट लेते हैं, ठीक है। तो 12 में 6 और क्या हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा, तो 6 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे तो 4, ठीक। अब 12 पूरा काटेंगे तो 6 से करेंगे तो कितना 3 और 2 से करेंगे तो 5, तो 3 3 पूरा कट जाएगा दोस्तों, 3 3 3 से कट जाएगा 2, तो यहां पे कितना हो गया 2 men इज इक्वल टू 4 women इज इक्वल टू 5 children। अब ऐसे नंबर से डिवाइड करना था तो हमने क्या कर दिया, पहले सब्स्टिट्यूशन से कर लेते फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं यहां पे 4 मेन 12 वुमेन एंड 20 चिल्ड्रन, तो यहां पे लिखते हैं 4 मेन प्लस का 12 वुमेन प्लस का 20 चिल्ड्रन, वर्क फॉर 2 डेज, कितने दिन तक काम किए 2 दिन तक काम किए, इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय मेन ओनली इन एक्स 1 डेज, तो एक्स मेन 1 डे में काम कंप्लीट कर देंगे। ये कौन सा काम है, सबको मेन से बदल दीजिए, सबको किसे बदल दीजिए मेन से, या चिल्ड्रन से बदल दीजिए, ज्यादा आसान होता है सब्स्टिट्यूशन में। ये वही काम है दोस्तों जो 18 चिल्ड्रन 10 दिन में किए हैं, ये वही काम है जो 18 चिल्ड्रन 10 दिन में किए हैं। अब देखिए ना 2 मेन बराबर कितना है 5 चिल्ड्रन, तो 4 मेन बराबर 5 दुनी 10 चिल्ड्रन हो जाएगा, 4 मेन बराबर कितना लिख सकते हैं यहां पे 10 चिल्ड्रन लिख सकते हैं, यहां लिख दीजिए 10 चिल्ड्रन प्लस
चार वोमेन बराबर फाइव चिल्ड्रेन, चार वोमेन मतलब चार तीन बारह, तो बारह वोमेन बराबर पांच तीन पंद्रह चिल्ड्रेन, तो यहां पे कितना हो जाएगा पंद्रह चिल्ड्रेन। अब प्लस का ये बीस चिल्ड्रेन है ही दोस्तों, इनटू का टू, अब प्लस का यहां पे कितना हो जाएगा एक्स मेन, तो एक्स मेन बराबर कितना, मेन को चिल्ड्रेन बदल लीजिए तो दो मेन बराबर फाइव चिल्ड्रेन, तो एक मेन बराबर कितना हो जाएगा फाइव बाई टू चिल्ड्रेन, ये हो जाएगा इज इक्वल टू अठारह चिल्ड्रेन इंटू का दस। कंप्यूटर जी इसको नीचे कर दीजिए जरा सा और पिन चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब यहां पे सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये आप हो गया दस पंद्रह और बीस, बीस दस तीस और दस चालीस और पांच पैंतालीस, पैंतालीस इंटू दो चिल्ड्रेन सब जगह से हटा दिया, अब प्लस का फाइव बाई टू इंटू एक्स इज इक्वल टू अठारह इंटू का दस, तो पांच, पांच से कट गया नौ, अब पांच से कट गया दो, तो नौ दुनिया अठारह और अठारह दुनिया छत्तीस, तो एक्स बाई टू इज इक्वल टू अठारह दुनिया छत्तीस माइनस अठारह, छत्तीस माइनस का अठारह इज इक्वल टू अठारह, तो एक्स बाई टू बराबर अठारह, तो एक्स बाई टू बराबर अठारह, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी सिक्स, एक्स का वैल्यू कितना गया थर्टी सिक्स, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से दोस्तों समझ आ गया होगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लगाते हैं, इफिशियंसी का तरीका लगाते हैं, इफिशियंसी का रेशियो लगाते हैं दोस्तों। चलिए इस वाले, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग जो लगाते हैं वो इफिशियंसी का रेशियो लगाते हैं। इफिशियंसी मैंने क्या बताया था दोस्तों, ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जो नीचे कुछ नहीं बचे, सिर्फ ऊपर ऊपर ही बचे, तो ऐसे नंबर हमको दिख गया 20, ऐसा नंबर हमको क्या दिखा दोस्तों 20, तो 20 से डिवाइड कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया 20 से, तो मेन अपॉन 10 इज इक्वल टू ओमेन अपॉन 5 इज इक्वल टू चिल्ड्रेन अपॉन 4, तो यहां से मैन इज टू ओमेन इज टू चिल्ड्रेन का इफिशियंसी रेशियो कितना आ गया 10:5:4, 10:5:4 आ गया दोस्तों। अब यहां पे सिंपली हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालना है दोस्तों, तो चार मेन प्लस का 12 ओमेन प्लस का 20 चिल्ड्रेन, काम कितने दिन तक किए दो दिन तक, और एक्स मेन को काम करना है एक डेज तक, ये वही काम होगा जो छह मेन 12 दिन में काम करेगा दोस्तों, तो मेन का एफिशिएंसी कितना है 10, तो चार मेन का कितना हो जाएगा 40, ओमेन का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 12 का 12 5 60 हो जाएगा, प्लस चिल्ड्रेन का कितना है 4, तो 20 का 20 चौके 80 हो जाएगा इंटू का 2, और मेन का एफिशिएंसी कितना है 10, तो 10x हो जाएगा, प्लस मेन का एफिशिएंसी कितना है 10, तो 60 × 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से, कंप्यूटर जी पेन चेंज करिए जरा सा। चलिए तो यहां पे 180 इंटू का 2 और प्लस का 10x इज इक्वल टू 60 × 12, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई 12×6 72 माइनस 18×2 36, 72 − 36 बराबर कितना हो जाएगा 36, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। दो क्वेश्चन और हम लोग जल्दी से जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए इज ट्वाइस इफिशियंट एज बी एंड टूगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन एज मच टाइम एज सी एंड डी टूगेदर टेक्स टू डू द वर्क। ये भी देखिए SBI PO 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग क्या करते हैं ना इस क्वेश्चन में उलझे रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं, ये करते लगते वो करने लगते, नहीं कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इफ सी एंड डी एलोन, यहां पर बोला है क्या सी एंड डी एलोन कैन कंप्लीट इन सी 20 में कर रहा है और डी कितने में कर रहा है 30, तो LCM ले लीजिए कितना हो जाएगा 60, इसकी इफिशियंसी जो हो जाएगी 3 और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, ठीक। इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क एलोन, ए कितने दिन में करेगा दोस्तों, तो सी प्लस डी कितने में किया है 12 दिन में किया है, सी प्लस डी जो है वो 12 दिन में किया है दोस्तों, कितने दिन में किया है 12 दिन में। अब क्या बोला, ए इज ट्वाइस इफिशियंट एज बी, ए की जो एफिशियंसी है वो बी से दुगनी है, मतलब बी का एफिशियंसी अगर एक है तो ए का 2 होगा, बी का एफिशियंसी अगर एक है तो ए का एफिशियंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और काम तो वही है, काम तो वही है, तो टोटल वर्क 60 ही है, तो ए पूछा है कितने में करेगा, तो ए कितने में करेगा, तो यहां पे कितना, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं 12, दोनों मिला के 12 करेंगे ना, सी प्लस डी देखिए ना 12 करेंगे, 60/5 कितना हो गया 12, 60/5 कितना हो गया 12, क्लियर है। तो ए जो है वो टोटल वर्क निकाल लेंगे 12, ये ए प्लस बी का भी देखिए इतना नहीं होगा, कितना क्या बोला है एज मच टाइम वर्क एज मच एज टाइम एज सी एंड डी, जितना काम ए प्लस बी टाइम लिया उतना ही टाइम सी प्लस डी भी लेगा, तो ए का कितना हो जाएगा 12 इंटू और टोटल वर्क 3, टोटल एफिशिएंसी 3 और ए का एफिशिएंसी कितना 2, तो यहां से 2 से कट गया 6 और 6×3=18 डेज। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा दोस्तों, तो ये होता ना टोटल वर्क जो होता है,
टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, टाइम इंटू इफिशियंसी, यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया दोस्तों। टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पे सी प्लस डी को कितना दिन लगा, 12 दिन। और यहाँ क्वेश्चन बोला है देखिए कि वर्क एज मच एज टाइम एज सी प्लस डी टूगेदर, तो जितना टाइम सी प्लस डी को लगा उतना ही टाइम ए प्लस बी को लगा। तो सी प्लस डी को कितना दिन लगा, सी प्लस डी को 12 दिन लगा, तो ए प्लस बी को भी 12 दिन लगा। तो टाइम यहाँ पे ए प्लस बी का कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे टाइम देखिए कंप्यूटर जी, ए प्लस बी का टाइम हो गया 12, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिला के 2+1=3, तो टोटल वर्क जो हो गया आपका 12×3 हो गया। इसमें एक एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो टोटल वर्क निकल गया 18। बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो गया दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, क्लियर है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ए जो है वो काम कितने में कर रहा है, 36 में कर रहा है, तो ए लिख दीजिए यहां पे 36, ठीक है। एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम इन विच ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। अब बोला ना बी 1/3 ऑफ द काम कर रहा है, जो ए जितने में आधा काम कर रहा है, तो ए पूरा काम 36 में कर रहा है, तो आधा काम 18 में करेगा, ए पूरा काम 36 में कर रहा था, आधा काम 18 में करेगा, और बी 18 में 1/3 काम कर रहा है, तो 1/3 काम 18 में, तो पूरा एक काम बी कितने में करेगा, 54 में निकल गया। फिर से मैं समझा देता हूं, ए आधा काम पूरा काम 36 में कर रहा है, आधा काम 18 में कर रहा है, तो 18 दिन में बी 1/3 काम कर रहा था, पूरा काम बी जो करेगा वो 54 में करेगा, तो बी जो है वो पूरा काम कितने में करेगा, 54 में। 36 54 का कितना ले लेते हैं दोस्तों, 108 ले लेते हैं, तो 36 3 हो जाएगा, 54 कितना हो जाएगा, दूनी। यहां पे क्लियर है, इफ सी इज 100% मोर इफिशियंट देन बी, तो यहां पे सी ले लीजिए और सी का सीधा इफिशियंसी लिख लीजिए, डेज यूज नहीं पता, 100% ज्यादा इफिशियंसी है, तो 4 इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ऑल थ्री, तो तीनों के द्वारा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना होगा, तो 108 ही काम होगा, तीनों का इफिशियंसी कितना, 4 × 3 = 7 × 2 = 9, तो 9 इफिशियंसी से करेंगे, तो कितना डेज ले लेंगे दोस्तों, तो 12 डेज ले लेंगे, तीनों मिलकर कितना डेज ले लेंगे, 12 डेज ले लेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, M1D1H1 से, जरा सा इसको मिटा दें, M1D1H1 तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे दोस्तों। देखिए बहुत सुनहरे तरीके से हो जाएगा, बहुत प्यारे अंदाज से हो जाएगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर नहीं करते, और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना भाग जाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोला है, यहां देखिए बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन द सेम टाइम इन विच ए डू हाफ ऑफ द वर्क, तो बी ए जितने टाइम में आधा काम कर रहा है उतने टाइम में बी जो है वो 1/3 काम करेगा, तो 2a बराबर कितना हो गया 3b, 2a बराबर 3b हो गया। यहां से a बाई बी बराबर कितना आ गया 3/2, ए बाई बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/2। अब देखिए ना तीनों मिलकर करना है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक्स डेज में करेंगे, क्या ये वही काम होगा जो ए 36 दिन में किया है। अब बी का एफिशिएंसी 2 है, तो सी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, 100% ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहां पे बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को समझ सकते हैं दोस्तों। ए का कितना हो गया 3, अब बी का कितना हो गया 2, तो 3+2+4 इंटू का एक्स इज इक्वल टू ए, ए का कितना है 3 × 36, तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9, 9x, 9x इज इक्वल टू 3 × 36, तो 9 ये 4 बार में कट गया, तो 4 × 3 = 12, तो x बराबर कितना हो गया 12 डेज। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बहुत प्यारे तरीके से समझ आ रहा है दोस्तों। चले मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, ए बी सी एलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन इतना 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 डेज, तो ए का लिख लीजिए, ए कितने में कर रहा है 15 में, बी कितने में कर रहा है 20 में, सी कितने में कर रहा है 30 में, तो ये टाइम हो गया हमारा। एक टोटल वर्क ले लेते हैं, फिर इफिशियंसी हो जाएगा, तो यहां पे 60 हो जाएगा दोस्तों, तो 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60 और 30 × 3 = 60 हो जाएगा ना, 30 × 60, ठीक। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज एंड बी लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों, देखिए ये डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज, तो 2 दिन काम करके ए छोड़ के चला गया, तो 2 दिन तक ए बी सी तीनों काम किए, फिर कुछ दिन तक ए जब चला गया तो बी और सी काम किया, बोला बी लेफ्ट द वर्क 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ये बोला है ना, मतलब लास्ट का 6 डेज सिर्फ सी काम किया, यही तो हुआ है, लास्ट का 6 डेज सिर्फ और सिर्फ सी काम किया, क्लियर है। फाइंड द टाइम फॉर विच सी वर्क, तो कितने समय तक सी काम किया,
कितने समय तक? सी काम के, मतलब सी पूरा काम किया भाई, सी तो छोड़ के भागा ही नहीं, शुरू से अंत तक सी रहा। इसको तोड़ तोड़ के पहले करते हैं मेथड नंबर वन से दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा। तो ए बी सी दो दिन काम किए, तो 4 3 7 2 9, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9, तो दो दिन का काम यहाँ पे 18 काम हो जाएगा आपका दोस्तों। कितना काम हो जाएगा? 18। और यहाँ पे सी 6 दिन काम करेगा अकेले, तो एक दिन का 2 और 6 दिन का 6 दुनी 12 काम हो जाएगा, तो ये मिला के 30 काम हो गया। तो 60 में से 30 काम हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 30। अब ये 30 काम कौन करेंगे दोस्तों? बी और सी करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे निकाल लीजिए। तो बी 30 काम करेंगे, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? 5। तो यहाँ कितना दिन लेंगे? 6 डेज लेंगे। तो यहाँ उन्होंने लिया 6 डेज, तो ये 6 डेज 6 डेज 12 डेज 12 दुनी 14 डेज, तो टोटल टाइम कितना लगा? 14 डेज लगा। सी मतलब टोटल टाइम जो लगा वो 14 डेज, सी पूरा शुरू से अंत तक काम किया। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ दोस्तों, बेसिक से मैंने समझाया। अब इसको कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसको डायरेक्ट अगर करना हो तो किसी एक बंदे को या दो बंदे को ऐसे रखना है जो शुरू से अंत तक रहे दोस्तों। अब देखिए ना, ए 2 दिन काम करके भाग गया तो उसको भगा दीजिए, भागो भाई तुम भाग रहे हो, तुम भगा रहे हो, तुम भागे जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ए 2 दिन काम करके भाग गया, तो ए का एक दिन का काम 4, 2 दिन का 8, तो 8 काम हटा दीजिए, ए का काम खत्म हो गया। अब सी क्यों जा रहा है भाई? बी 6 दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है। क्यों भागा? क्योंकि बी का काम नहीं था। बी 6 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के गया? क्योंकि बी के हिस्से का काम नहीं था। अगर बी को हम 6 दिन का काम दे दे तो बी आ जाएगा, बी को अगर हम 6 दिन का काम दे दे तो बी आ जाएगा। तो बी का एक दिन का काम 3 और 6 दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो 18 काम अगर हम दे दें तो बी वापस लौट के चलाएगा, तो ये टोटल कितना? 8 इधर से चला जाएगा 10, तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे? 70 हो गया। तो 70 काम कौन करेंगे? ये तो भाग गया, बी और सी मिलके करेंगे। बी और सी मिलके 70 काम करेंगे कितने एफिशिएंसी से? 5 एफिशिएंसी से। तो कितना डेज लेंगे? 14 डेज लेंगे दोस्तों। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया आपका। क्या था हमने यहां पे? 2 दिन तक एबीसी काम किए थे, मैं समझा देता हूं। और बीसी काम किया था और यहां सी काम किया था 6 दिन तक। तो हमने यहां पे बी का काम 6 दिन का दे दिया, कितना? 18 काम दे दिया, तो बी भी आ गया। तो अब यहां से बीसी 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 लगातार हो गए, तो बी प्लस सी मिलके ये काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, और समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम लोग, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बहुत मजा आ रहा है, आप लोग देखिए, अगर 100 लाइक आ जाएगा तभी इसका दूसरा पार्ट आएगा, जब तक 100 लाइक नहीं आएगा तब तक दूसरा पार्ट नहीं लाएंगे दोस्तों। तो ये आपके आपके ऊपर है कि आप 100 लाइक कितने दिन में कर देते हो। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप खुद भी 100 लाइक करो, वीडियो पे 100 लाइक चाहिए खुद भी करो, घर वालों से भी कराओ, सबसे लाइक कराओ। जब तक 100 प्लस लाइक नहीं होगा नया पार्ट नहीं आएगा इसका दोस्तों। चले इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।